दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका द मेडिसिन नॉलेज में। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। एसकेवीआर लोशन और स्क्रब लोशन क्या काम में आता है और जानेंगे दोनों लोशन के यूज़ के बारे में, इसको कैसे यूज़ करना चाहिए और कितने ईयर्स कितने साल के व्यक्ति को इन दोनों लोशन का यूज़ करना चाहिए और दिन में कितनी बार इन दोनों लोशन का यूज़ करना चाहिए और जानेंगे दोनों लोशन के यूज़ के बारे में, इसको यूज़ करने के बाद हमको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं और जानेंगे दोनों लोशन के कंपोजिशन के बारे में, इसका कॉम्बिनेशन क्या है एसकेवीआर लोशन का कंपोजिशन क्या है और स्क्रब लोशन का कंपोजिशन क्या है हम इस वीडियो में जानेंगे, और जानेंगे दोनों लोशन के पैकिंग के बारे में, ये कितने ml की पैकिंग में आता है एसकेवीआर लोशन और स्क्रब लोशन कितने ml की पैकिंग में ये आता है, और जानेंगे दोनों लोशन की कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और एसकेवीआर लोशन को कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और जानेंगे साथ ही साथ इन दोनों लोशन की एमआरपी प्राइस के बारे में, इसका एमआरपी प्राइस क्या है एसकेवीआर लोशन का एमआरपी प्राइस क्या है और स्क्रब लोशन का एमआरपी प्राइस क्या है हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरे यानी अपने दोस्त राजेश, मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, तो बस इसी तरह बनी रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं ये दोनों लोशन क्या काम में आते हैं। एसकेवीआर लोशन और स्क्रब लोशन एक कंपोजिशन दवा है, डॉक्टर के लिखे पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है। इसका इस्तेमाल खास तौर से दाद होना या दाने निकल आना, खुजली होना या खाज होना, पूरी बॉडी पर छोटे छोटे दाने निकल आना, रैपिड बनना या एक्जिमा होना, यह है छोटे कीड़ों और माइटस और उनके अंडों को मारने में मदद करती है। सिर में जुए होना जुए को ख़त्म करने में, और स्क्रीन का गल जाना या खाल का छोट छोट कर गिरना या लालिमा होना और सूजन होना या खुजली लगना आपको। तो दोस्तों हम ऐसी कंडीशन में और इस कंडीशन में एसकेवीआर लोशन और स्क्रब लोशन का यूज हम करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं दोनों लोशन के यूज़ के बारे में, इसको कैसे यूज करना चाहिए, कितने ईयर्स कितने साल के व्यक्ति को इन दोनों लोशन का यूज करना चाहिए और दिन में कितनी बार इन दोनों लोशन का यूज करना चाहिए इसका यूज करना चाहिए दोस्तों 6 मंथ 6 महीने से ऊपर के बच्चे को या व्यक्ति को इन दोनों लोशन दिन में दो से तीन बार इस लोशन का यूज करना चाहिए। इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ बाहर त्वचा पर ही किया जाता है और बाकी का आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार इन दोनों लोशन का यूज़ करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इन दोनों लोशन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। दोस्तों आप जो भी कुछ कॉमन मेडिसिन लेते हैं उसके भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसका साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों जैसे कि इस्तेमाल वाली जगह पर रिएक्शन होना या जलन होना या सूखी त्वचा होना, आपको ऐसे सवालों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप समझ जाइए आपको ये दोनों लोशन शूट नहीं हो रहे हैं, तो आप इन दोनों लोशन का यूज़ करना तुरंत ही बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर से तुरंत ही सलाह। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं दोनों लोशन के कंपोजिशन के बारे में, इसका कंपोजिशन क्या है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, एसकेवीआर लोशन का कॉम्बिनेशन क्या है और स्क्रब लोशन का कॉम्बिनेशन क्या है। इसका कॉम्बिनेशन है दोस्तों एसकेवीआर लोशन का कॉम्बिनेशन है गामा व्यंजन, हेक्साग्लोराइड एंड सेट्रामाइड एम्बुलसन, ये इसका साल्ट। और स्क्रब लोशन का कॉम्बिनेशन क्या है, इसका कॉम्बिनेशन है दोस्तों लिंडेन एंड सेट्रामाइड, ये इसका साल्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं दोनों लोशन के पैकिंग के बारे में, ये कितने ml की पैकिंग में ये आता है एसकेवीआर लोशन और कितने ml की पैकिंग में आता है और स्क्रब लोशन कितने ml की पैकिंग में ये आता है। दोस्तों एसकेवीआर लोशन की बात की जाए तो ये आता है दोस्तों 100 ml की पैकिंग में ये आता है। और जान लेते हैं स्क्रब लोशन की पैकिंग के बारे में, ये कितने ml की पैकिंग में आता है, ये आता है दोस्तों 100 ml 100 ml की पैकिंग में ये आता है। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इन दोनों लोशन की कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, एसकेवीआर लोशन को कौन सी कंपनी
मैन्युफैक्चरिंग करती है और एसके और स्क्रब लोशन को कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसको बनाती है दोस्तों। एसकेवीआर लोशन को बनाती है दोस्तों मार्केटेड इन इंडिया बाय एवोल्ट हेल्थ केयर एंड एवोल्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। और जान लेते हैं स्क्रब लोशन की कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसको बनाती है दोस्तों मार्केटेड इन इंडिया बाय अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं साथ ही साथ इन दोनों लोशन के एमआरपी प्राइस के बारे में। इसका एमआरपी प्राइस क्या है, एसकेवीआर लोशन का एमआरपी प्राइस क्या है और स्क्रब लोशन का एमआरपी प्राइस क्या है। इसका एमआरपी प्राइस है दोस्तों, एसकेवीआर लोशन का एमआरपी प्राइस है दोस्तों, इसका एमआरपी प्राइस है 82 रुपीज़ 82 रुपये, ये इसका एमआरपी प्राइस है। और जान लेते हैं स्क्रब लोशन के एमआरपी प्राइस के बारे में, इसका एमआरपी प्राइस क्या है। इसका एमआरपी प्राइस है दोस्तों, स्क्रब लोशन का एमआरपी प्राइस है दोस्तों 71 रुपीज़ 71 रुपीज़ 70 पैसे ये इसका एमआरपी प्राइस है। आपको ये सभी मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है, आप इसको स्क्रब लोशन और एसकेवीआर लोशन के नाम से आप इसको सभी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। आप इसको लेने के बाद आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल द मेडिसन और तुरंत सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, हम फिर मिलते हैं हमने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।